दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे, शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे 17 मार्च 2021 को। राशि परिवर्तन करके उच्च के हो जाएंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे ये। मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, उच्च की अवस्था इनकी जो रहेगी, मीन राशि में इनका गोचर जो रहेगा वो 10 अप्रैल 2021 तक रहेगा। 10 अप्रैल 2021 तक 8 ऐसी लकी राशियां जिनके लिए प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। बताएंगे आपको वो 8 राशियां कौन सी, 8 राशियों के नाम क्या हैं, जिनके पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। जिनका ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप की संभावनाएं बहुत अधिक मात्रा से बन जाती हैं। उच्च का शुक्र अपने आप में ही एक चमत्कार है। उच्च के शुक्र का कमाल देखना है तो अगर आपकी कुंडली में उच्च का शुक्र है तो उसका कमाल आपको बताने की जरूरत नहीं, आप उसका कमाल जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में उच्च का शुक्र है तो आपको उसका चमत्कार भी पता है, उसका अनुभव भी पता है और उसके फल का भी आपको स्मरण होगा। निश्चित रूप से उच्च का शुक्र बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था होती है। उच्च के शुक्र की कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो उसकी सर्वश्रेष्ठ अवस्था वही होती है। उच्चाभिलाषी फिर उच्च, अभी तक उच्चाभिलाषी थे अब उच्च के हो रहे हैं। उच्च के होकर के लगभग 24 दिन का ये अंतराल रहेगा। 24 दिन में 8 ऐसी राशियां जिनकी लव लाइफ में बहुत ही खूबसूरती भर देंगे, मधुरता आ जाएगी, प्रेम संबंध मजबूत हो जाएंगे। किस प्रकार का फल शुक्र राशि परिवर्तन करके देंगे, पूरी 12 राशियों के लिए तो हमने बताया, अलग से एक वीडियो बनाया है वो आपको जल्दी ही मिलेगा। उसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके हर प्रकार का जो फल होता है वो आपको बताया है, लेकिन इसमें हम केवल और केवल बताने वाले हैं 8 ऐसी राशियों के नाम, जिन राशियों के एक्स वापस आ जाएं, जिनका ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप हो जाए, और लव लाइफ में अगर सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके प्यार को यादगार बना दे और आपको बहुत ही खूबसूरती से प्यार करे, आपकी लव लाइफ में खुशखबरी से खुशखबरी मिलती जाए। इस अंतराल में, इस 24 दिन में लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा और ये कितना अच्छा होगा ये तो आपको 24 दिन भोग काल अपना 24 दिन बिताने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आपकी लव लाइफ में बहुत ही खूबसूरती वाले पल आने वाले हैं। मैरिड लाइफ में डाइवोर्स हो गया है या डाइवोर्स जैसी स्थितियाँ बनने लगी हैं, पत्नी बात नहीं मान रही है, पति बात नहीं मान रहे हैं, डाइवोर्स लेने की जिद पे अड़े हैं, अब बात बनेगी, डाइवोर्स बचेगा, मैरिड लाइफ में सुकून आएगा। हर प्रकार से लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ, इनके लिए एक खूबसूरती वाले पल लेकर आएगा शुक्र का यह गोचर। हम जानेंगे राशियों के नाम कि आखिर राशियों को क्या फायदा हो रहा है ये लव लाइफ में। फायदा तो मैंने बता दिया आपको, केवल और केवल राशियों के नाम जानते हैं। सबसे पहली राशि के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन आपको बता दें 8 राशियों के नाम जानेंगे, लेकिन ये राशि चंद्र राशि के आधार पर है, मून साइन के आधार पर, तो उसी के अनुसार देखना। अगर नाम राशि के अनुसार देखना चाहें देख सकते हैं, लग्न के आधार पर भी देखना चाहें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फल तो निश्चित रूप से मिलता है, उनका भी मिलता है, लेकिन मून साइन के आधार पर ही ज़्यादातर देखना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे, पहली राशि वृषभ राशि है। पहली राशि वृषभ राशि वालों, खुश होने की ज़रूरत है आपके लिए। स्थितियाँ ये जरूर कहती हैं कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खराब स्थितियाँ चल रही, अक्टूबर से ही खराब चल रही हैं, जब से राहु आया है तब से ही खराब चल रही। अब लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया था, पैचअप हो जाएगा। अगर प्रेम संबंधों में खराब स्थितियां चल रही थी, कोई भी परेशानी चल रही थी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि एकादश में है, पंचम पर दृष्टि, कोई नया प्यार भी आ सकता है, बहुत ही खुशखबरी है। दूसरी राशि कर्क राशि, बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए भी, पैचअप हो जाएगा और हो सकता है इस बार पार्टनर जो विश्वास तोड़ कर गया था, जो आपको धोखा दे कर गया था, वो आपको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करे और आपका विश्वास जीतने के लिए हर हद तक जाए, हर हद तक, आपकी ज़रूरत है उसे, वो आएगा और विश्वास जीतेगा आपका, लेकिन किस हद तक वो कामयाब हो पाएगा ये तो आप पर भी निर्भर करता है कि आप उसके ऊपर विश्वास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितना यकीन है आपको उस पर, ये चीज़ तो आप ही देखेंगे। लेकिन दूसरी राशि कर्क राशि, तीसरी राशि है सिंह राशि।
मैं नाम ही बता देता हूँ। वैसे मैंने राशियों के बारे में विस्तार से बताया है शुक्र राशि परिवर्तन के वीडियो में, उसमें आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको विस्तार मिल जाएगा। मैं यहाँ पर राशि ही बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है और आपका समय बर्बाद होता है। तीसरी राशि है सिंह राशि और चौथी राशि है कन्या राशि, पांचवी राशि है वृश्चिक राशि, छठवीं राशि है मकर राशि, सातवीं राशि है कुंभ राशि और आठवीं राशि है मीन राशि। ये आठ राशियां हैं जिनकी लव लाइफ में कुछ बेहतरीन होने वाला है। आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। हाँ, कुछ राशियों इन्हीं राशियों के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप होने की स्थितियां हैं, और एक दो राशियां और हैं जिनकी स्थितियां लव लाइफ में कुछ बेहतरीन हैं, एक्स के लिए भी स्थितियां बन रही हैं, उसके बारे में भी आपको हमने विस्तार से बताया है। जो वीडियो मिलेगा आपको शुक्र राशि परिवर्तन का, वो आप देखिएगा, वहां पर बहुत ही विस्तार किया है इस बात पर। यहां पर तो हम आपको राशियां बताने वाले हैं, तो राशियों के बारे में आपको बता दिया है, आठ राशि लिए योग बन रहे हैं, और उसके बाद में हम कुछ राशियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, खास करके बिजनेस से, धन से संबंधित आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। चार राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।